अगर कुछ हेल्दी टेस्ट और डिफरेंट खाने का मन कर रहा हो ना, तो आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये रेसिपी बिल्कुल आपके टेस्ट से मैच करेगी, और जो हेल्थ कॉन्शियस है या वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई या बर्तन ले ले कोई भी, उसमें हमने 1 कप सोयाबीन डाल दी है मेजरमेंट से। उसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे कुछ टमाटर, 2 या 3 टमाटर ले लें आप, और 1 या 2 हमारे छिले हुए प्याज हैं जिनको हमने छील के रख लिया है, और 7-8 कलियाँ हमारी लहसुन की हैं। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डाल दें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। 1 टुकड़ा अदरक का है, और तीखी के अनुसार 2-3 हमारी हरी मिर्च है। और फ्रेंड डरिए मत, ये मैंने 1 कप दूध लिया है, पर ये आधा दूध है और आधा पानी है। आप दूध आधे कप से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा चाहिएगा ज़रूर, और उसमें बाकी में आप पानी मिला दीजिए, और आप इसको इसी में ही अच्छे से बॉयल कीजिए। इससे हमारी सोयाबीन का टेक्सचर बहुत अच्छा आने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम कढ़ाई की लीड लगा के या ढक्कन लगा के इसको कम से कम 5 या 7 मिनट के लिए कुक होने देते हैं मीडियम आंच पे। ये देखिए 5 मिनट हमारी हो चुकी है। 5 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन है, हमारा पानी वाला दूध अच्छे से सूख चुका है और सोयाबीन चंक हमारे अच्छे से गल चुकी है, और सब्जियां भी हमारी अच्छे से गल गई है। गैस कर देंगे बंद और हम अपनी सब्जियां निकाल लेंगे बाहर। जितने भी हमने इसमें सब्जियां डाली थी बॉयल होने के लिए, इनको हम एक साइड निकाल लेंगे किसी चम्मच या चिमटे की सहायता से, और जो हमारी सोया चंक रह गई है उसको हम यहाँ डायरेक्ट एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें हमें और अभी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पहले सोया चंक को इसमें ट्रांसफ़र करना है, और इसको हमें एक बारीक मिक्सचर बनाना है। यहाँ पे इसका लीड लगा के हम इसको ले जाते हैं मिक्सी की ओर और इसको पीस के लाते हैं। बारीक मिक्सचर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल हमारा इसका एक बारीक मिक्सचर बन गया है। हमने इसमें ना तो पानी ऐड किया था और ना ही हमने सोया चंक में से अपना पानी वाला दूध निचोड़ा था, जैसे था एज इट इज़ ही हमने इसको पीसा है। ऐसे ही आपको पीसना है, इसको निचोड़ने विचोड़ने का कोई झंझट नहीं है। सीधा आपको इसको डायरेक्ट पीसना है और एक मिक्सिंग बाउल में सारे मिक्सचर को निकाल लेना है अच्छे तरीके से। जो चिपका हुआ होगा उसे भी हम एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा सोया चंक सूखा सूखा नहीं है, गीला गीला है। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप सूजी ऐड करी है। सूजी की जगह आप यहाँ ब्रेड क्रम्स या फिर क्या कहते हैं बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 मैंने प्याज डाला है मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ, और 1 ही मैंने शिमला मिर्च डाली है। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और 1 टमाटर डाला है मैंने बीज निकाल के। और फ्रेंड ये कुछ मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, कड़ी पत्ते का टेस्ट यहाँ बहुत अच्छा आएगा। कड़ी पत्ता आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ हरा धनिया डाल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर हरा धनिया भी और कड़ी पत्ता भी तो आप दोनों भी आधे आधे डाल सकते हैं। और ये डाला है मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये जाएगा 1/2 चम्मच हमारा अमचूर पाउडर टेस्ट के लिए। और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर डालेंगे नमक, नमक इतना डालना है जितना हमारा मिक्सचर बना है। और ये डालेंगे हम पिसा धनिया पाउडर, डाला है मैंने 1/2 चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आने वाला है। और 1 चम्मच ही डालेंगे हम यहाँ पर जीरा, और इस सारे मिक्सचर को हम हाथ से अच्छे से गूंथ लेंगे, चम्मच से ये नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ये आप इसको हाथ से अच्छे से गूंथे। अभी ये आपको सूखा सूखा सा लग रहा होगा, ये देखिए ये बाइंड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा है। तो थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे पानी, पानी यहाँ पर 3 या 4 चम्मच ही ऐड करना है, सिर्फ इतना ऐड करना है जिससे हमारे ये देखिए अच्छे से मुट्ठी में ये इसका एक लड्डू सा बन सके। पानी डालते हुए मैं आपको नहीं दिखा पाई, पर आपने यहाँ 3-4 चम्मच पानी डालना है, भरकर पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए इतना ही हमने हाथ रोक कर पानी डालना है। और ये देखिए हमारा अच्छे से ये बन पा रहा है, और यहाँ पर हमने इसके बना लिए हैं लड्डू, ये देखिए इस तरीके से, ये अप्पे कह दो इन्हें। अब लेंगे हम एक अप्पे पैन, अगर आपके पास अप्पे पैन है तो डायरेक्ट आप इसमें इसको ग्रीस करके थोड़ा सा ऑयल लगा के इसमें अपने अप्पे सेट कर देंगे। और अगर अप्पे पैन नहीं है तो उसका भी एक जुगाड़ है,
आपके पास नॉनस्टिक तवा तो होगा ही, नॉनस्टिक तवे पे आप अपने अप्पे रख के सैलो फ्राई कर सकते हैं आराम से, ये बहुत टेस्टी बनने वाले हैं। पर हमने इससे पहले अप्पे पैन में डाले हैं थोड़े से तिल, अगर आपके पास तिल हैं तो जरूर डालें, इनसे टेस्ट फ्लेवर और इनका लुक बहुत उभर के आएगा, बहुत स्टाइलिश दिखेंगे। मेहमानों को भी खिलाएंगे तो वो भी नहीं बता पाएंगे कि आपने कैसे बनाए हैं, और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, और खाने में तो ये बहुत ही यम्मी होने वाले हैं। सारे हमने अपने अप्पे यहाँ पे सेट कर दिए हैं, ये देखिए गैस कर देंगे अब हम ऑन, और इसकी हम अब लीड लगा के इसको कम से कम 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। और इधर हमने ले लिया मिक्सी जार, जो हमने वेजीज बॉयल की थी उनको हम इसमें अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम यहाँ बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी जो हमारे अप्पे के साथ यूज़ होगी। यहाँ पर डाल दिए मैंने सारे ये वेजीज, और ऊपर से डाल दी है मैंने कड़ी पत्ता, मीठा नीम, आपके पास हो तो ज़रूर डालें, और टेस्ट के हिसाब से डाला इसमें नमक, और आधी चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर जीरा, और इसको हम पीस लेंगे। अब इस चटनी को हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें तड़का लगा सकते हैं। फ्रेंड मैं तो इसको ऐसे ही खाने वाली हूँ, क्योंकि एक जैसी चटनी खाते खाते हम बोर भी हो जाते हैं तड़के वाली, तो आज मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ में लाऊंगी। अगर आप तड़का लगाना चाहते हैं तो बेशक आप यहाँ पर तड़का लगा लें काली सरसों का और मीठी नीम का। ये देखिए अप्पे मैंने 3 मिनट हो गए हैं खोल के चेक करने लगी हूँ, तो ये देखिए एक साइड से ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। 3 मिनट भी मैंने आपको ज़्यादा ही बताया, 1.5 मिनट इसमें मुश्किल से लगा है। ये देखिए अगर इनको ज़्यादा कुक करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। अब इनको यहाँ से हम सारे पलट देंगे चम्मच की सहायता से या चिमटे की सहायता से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और देखिए तेल हमने इसमें नीचे तिल डाले थे, ये सारे इसमें बढ़िया से सेट हो चुके हैं। अब इसको दूसरी साइड से भी हम कुक होने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड से हमें इसमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ आधा मिनट के लिए कुक करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, नहीं तो जल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए बढ़िया से ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे, और अब हम इनकी करेंगे बढ़िया सी सर्विंग। और फ्रेंड अगर आपको मेरी ये हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर चैनल पर नए आए हो तो बेल आइकन या घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी रोज ऐसी चटपटी आने वाली रेसिपी आप देख पाएं और उनका लुत्फ उठा पाएं। मैं आपके लिए रोज ऐसी चटपटी रेसिपी लाती रहती हूँ। ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो फ्रेंड देखिए कितना बढ़िया लुक आया है नाश्ते का, आप भी ये अपने घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर से रिच है और ये बहुत फायदेमंद है। तो अब आपकी बारी है, धन्यवाद।